Hey guys, welcome back to my channel. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी हेल्दी और फिट होंगे और हम दोनों भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत टाइम से व्लॉग नहीं डाल रही थी और रिकॉर्ड करती जाती थी। जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो सब एक व्लॉग में डाल दिया है और अपलोड कर रही हूँ इसी उम्मीद से कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। माँ पता है कि नानी वीडियो बनाती है, नानी ने वीडियो को भिन्न भिन्न दिखाना है। छलांग ना मारियो मेरे ऊपर। कोई बाप रे, शाखा वाले सैल्यूट कर रहे हैं, मंदिर गिराने वाला। हमो लगा ले गले उसको, हम के ऊपर। चल जा चल जा चल जा, ऐसे नहीं बोल, ऐसे नहीं बैठना, गले लग जा। जब मामू को बाय कर दो, फाइल तो कर। नानी ने कैसे दिया, हमने कैसे ट्रीट किया था? दिस इज अ न्यू टेक्निक। जल्दी करो, पीले हाथ धोए हाथ में थोड़ा नाचने। पर क्या खा रहा है वो पेपरू? क्या खा रहा है? इधर देख, इधर देख, तेरी फोटो आ रही है। चुंदर 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 मुखड़े की फोटो आ रही है तेरी। वही पेपरू। सिद्धांत की आज रात की फ़्लाइट है, तो उसे जाने से पहले रूटीन के कुछ टेस्ट बुक कराए हुए थे टाटा 1MG लैब से, तो वही आए हुए थे। और वहाँ मतलब ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल मेरे ले रहे हैं। ब्लड टेस्ट कराना है। उसको सुइयाँ चुभे तो इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन बच्चों को ज़रा से भी कोई सुई लगा देना दिल दुखने लग जाता है सच्ची। ये ना मेरा सेंटा क्लॉस है, थोड़ा टाइम आता है, खुशियाँ देता है, फिर अपने छोले, खाली वाले छोले वापस लेके जा रहा है। तू भैया जा रहा है, तू भैया जा रहा है। सिद्धांत जाके फोन करेगा ना? हाँ मम्मी, ये ऊपर रख दे। सिद्धांत जा रहा है बैंगलोर, बैंगलोर से चला जाएगा सीधा सिंगापुर। बाय बाय। चलो बाय 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 करते भैया को। ध्यान से जाना और कॉल जरूर कर देना मेरे को पहुंचने के बाद। अब तो रह गए हैं और टुक टुक, और ये कपड़े भी ना निकाल के गया मशीन में से धोकर, कह रहा था सूखने डालो, पर मैंने आलसी ने अभी तक सूखने नहीं डाला। चल अंदर नहीं करे, हम तो हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है। हे भगवान, मीरा अब क्या किया है? ये कैसे दुकान है? ये कफन गिलास है, ये कफन गिलास होता है मीरा, पता अच्छा। नहीं आया ये कैसे टूट गया बता। गिरा भी नहीं है मेरे से। साबुन इसलिए लगाया कि यहाँ पे पड़ा तो कुछ क्रैक नहीं, इसलिए मैंने तौलिया भी रखा। ये फ्रिज के स्टफन ग्लास के शेल्फ्स हैं, जो हमारे वाले फ्रिज के तो ये शेल्फ्स इतने महंगे आएंगे, कम से कम 3-4 हज़ार रुपए का एक शेल्फ है। शादी की मिठाई देखो कितना हरा भरा टोकरा था जब ये आया था, अभी ये ऐसा हो गया है, खाली हो गया ना इसलिए। हमारे ड्राइवर की बीवी नाराज होके चली गई है, माइक के बैठ गई है, बस सिर्फ फोन ही कर रही है। बबलो बीवी तो तेरी है ना, तो ऐसे बात किए बिना कहाँ से शांति आएगी इसको। लू बिल्कुल सही बात है। स्टेपनी में है तो हमारी गाड़ी का ना स्टेपनी में पंचर है शायद, तो उसको ठीक करवाने के लिए आई हूँ। तो बबलू को बुलाया, संडे बबलू आ गया, परमानेंट ड्राइवर तो मेरे पास आजकल कोई है नहीं है। और इसकी शायद की इसकी ना बैटरी लो है, तो वो भी बैटरी भी डलवा लूँगी। सनशेड पता करने गाड़ी के लिए तो वो कुछ काम थे, तो इसको बुलाया था, तो मैंने कहा आ जाइए काम कर देते हैं, तो इसको जब बुलाओ तो आ ही जाता है। तो अभी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, इसलिए मेरे को ड्राइवर रख नहीं रही, काम तो चल रहा है। पंचर नहीं है? पंचर है नहीं। तो क्या है, हवा डलवानी है? हवा डलवानी है, क्योंकि हमें चाहिए होगा टायर, एक पक्का देख लिया ना। पक्का देख के तभी तो बताया हूं। लेकिन हमारी गाड़ी के विंडो सनशेड जो उसमें फिट हो जाए वो मिल नहीं रहे, मैं जगह जगह उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। मैं ऑनलाइन देख रही थी लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था WRV के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी के हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा लो, इसलिए मैंने लिया नहीं है। इसलिए मैंने कहा जाके शॉप पे जाके ले लेंगे, शॉप वाले के पास तो है नहीं। राजू मैडम देख लेते हैं, पहले पता कर क्या अंदर, गाड़ी नहीं बंद कर, चाबी पड़ी हुई है। कहाँ लेकर आ गया बबलू, जबरदस्ती बता और क्या? कहाँ अच्छी जगह, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, और पता नहीं मैं तो घर से वैसे ही आई हूँ। है
यहाँ तो गाड़ी सीखने वाली जगह है पूरी। वही तो मैं कह रहा हूँ, गाड़ी सिखाऊंगा। यहाँ पश्चिम घर में ही कोई लिखा, यहाँ पर लगा हुआ है दिल्ली समर कार्निवल। तो मेरा ड्राइवर मुझे लेके आ गया कि मैडम यहाँ पर देखो, जबरदस्ती लेकर आ गया। तो जाकर देखते हैं अंदर क्या है। ये बता, बच्चों वाला मेरे को लेकर आ गया है अयोध्या राम मंदिर की झांकी, दुबई सिटी और एसी फिश टनल। टिकट दिखा दी, टिकट टिकट वापिस ही नहीं थी उन्होंने। ये आए हैं हम समर कार्निवल, ये लेकर आया है कथा। अरे अयोध्या जाने की क्या जरूरत है, राम मंदिर को यहीं देख लो, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में राम मंदिर। फ्रेंड्स, शादी का मैंने लास्ट ब्लॉग डाला, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं डाला। उसके बाद जो भी कुछ है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा लो ही फील करती रही इतनी देर से। और मैं कहती हूँ जब कोई लो फील करे ना तो मेरे ड्राइवर को बुला ले, ये बहुत ही ज़्यादा लाइवली है, जो नहीं बोलता उसको भी बुलाता है। अब किसी काम से आई थी तो कहता नहीं मैडम इसको देख लो, मैंने कहा मुझे नहीं देखना, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती कहता टिकट भी मैं लूँगा। 100 रुपये की टिकट आई है, आता 200 रुपये की दोनों जने की टिकट आई, टिकट भी इसने लिया। अब बताओ घर जाके टिकट के पैसे इसको दे दूँगी, इसके भी दूँगी अपने भी दूँगी, मतलब ही है ना ये बड़ा, कि इसको भी देखना था ना। और ये देखो कितना सुंदर की हो रही है, मैं अंदर गर्मी बहुत है, पसीने पसीने में हो रही हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। फॉर अ चेंज हमेशा अच्छा होता है कि जब आप इस तरह के मूड में हो, स्ट्रेस में हो, फीवर है तो दवाई तो आप खा ही रहे हो। तो देखो कितनी सुंदर लग रही है फिश, सिंगापुर में तो इतना सुंदर था बना हुआ यह एक्वेरियम, और यहाँ भी बनाया तो उसी तरह का कुछ हुआ है। दोस्तों पूरा मेला लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं बिल्कुल नहीं आती, बबलू लेकर आया मेरे को, मैं बिल्कुल नहीं आती इतनी गर्मी में, कौन आए, पसीने पसीने हो गए अंदर। यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, पर मैं कुछ खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। मेरा बच्चा बोल रहा था मम्मा बहुत गर्मी लग रही है, तो मैंने कहा चलो जी आज नहला देते हैं आपको, लोज तो आपको नहलाते नहीं, कभी कभी तो आपको नहलाना होता है, तो आज तो पक्का नहला देते हैं आपको। हैं जी होगी नहाया गंतु बाबा, कालू कालू हुआ पड़ता कालू कालू। तो देखो जी हमारे टुकटुक ने नहा लिया है, और टुकटुक ने ना मम्मी को भी गीला कर दिया, कितना गंदा बच्चा है, गीला कर दिया मम्मा को छारा है गंतु बाबा। हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको बांधे रखती है, आपके अकेलेपन में आपका साथ देती है, तो हमेशा अच्छी होती है। टुकटुक को नहला दिया लेकिन ड्रायर से नहीं सुखाया, इतनी तो गर्मी है, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा गीला रहेगी तो अच्छा लगेगा इसको। तो ये मैडम जी आ गई हैं और पूरे बिस्तरे की चादर से खुद को साफ कर रही हैं। देखो टुकटुक ने नहा भी लिया और देख के बिस्तरे पर आके पूरा खुद को पोंछने की भी कोशिश करी, अभी इतना सुखा दिया है इसको। फिर भी दस बारी सोचना पड़ता है कि घर में से निकले कि नहीं निकले, धूप से बचने की तैयारी है, दो चुनिया हाँ। नाक मुंह भी बंद कर ले ऐसे। बहुत गर्मी है, लू चल रही है बहुत बहुत तेज, ऐसे भगवान आंखें जल जाती है। मई में ये हाल, मई अब तो खत्म होने वाला है, अब अगले जून में पता नहीं क्या हाल हो जाएगा, जून में ना पकौड़े बन जाएंगे हमारे, तेरे तो खास कर बनेंगे, मैं तो बच रहा तभी तो मैं शाम को नहीं आती हूँ। हाय मैं कहती हूँ ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है, घर में बैठे बैठे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, ग्रॉसरी भी पहुँच जाती है, बिग बास्केट वाले आ जाते हैं, कुछ अगर गड़बड़ है तो वापस भी ले जाते हैं, 10 बार बुलाओ तो 10 बार वापस ले जाएंगे, 10 बार दे जाएंगे, तो इससे ज़्यादा अच्छे कम्फर्ट और क्या हो सकते हैं। हमारा टाइम हम भूल नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल टाइम था, अब बच्चों के लिए भी आसान है, हमारे लिए भी आसान है, तो खैर जो है अच्छा ही है। इस बार ना मैंने ये टर्मरिक पेस्ट मंगवाया, मैंने कहा इमली का ना वैसे बहुत वेस्ट होता है। छुप गए हो आप, छुप गए हो, गीले गीले में अच्छा नहीं लग रहा था, दिद्दू दे दूं। दोपहर के 12 बज रहे हैं, ओ माय गॉड, बाहर तो झुलसने वाली गर्मी है, इतना हॉट एटमॉस्फेयर है, माय गॉड देखो दोपहर में कितना पकौड़े तल जाएंगे बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों मैंने लगाया है ये पराठा का सनग्लास, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और क्या मैं आपको बीमार लग रही हूँ, मैं एक्चुअली जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि इतनी गर्मी में कौन बाहर निकलेगा, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ,
क्योंकि कुछ टाइम से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फीवर है, फीवर और पता नहीं क्या है। तो अब डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, मैंने सन ग्लास लगाए हैं तो मुझे धूप दिख रही है, आपको धूप दिख रही होगी। तो आप बिल्कुल बाहर मत निकलिए, बिल्कुल इनडोर रहिए क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। दोस्तों दवाई खाई है मैंने, उसके बाद इडली बनाई बड़ी मुश्किल से, पहले ही बनाई थी तो उसको मैंने थोड़ा सा पोड़ी मसाला डाल के घी में हल्का सा प्याज डाल के इसको पोड़ी इडली को रेडी कर लिया और अब हम इसको खाएंगे। तबीयत बहुत दिनों से ख़राब होने की वजह से अब तो खैर बेटर हूँ, तो कुछ ढंग से खाया नहीं था। अभी मैंने ना सूप बनाने को रखा है और सुबह मैंने सिर्फ थोड़ी सी इडली खाई थी, तो मैंने कहा मैं डैनिश टोस्ट बना लेती हूँ, जो सुबह नाश्ता खाते हैं ना, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं रात को हल्का हल्का बना के खा लेती हूँ। मैंने दो स्लाइस गर्म करे हैं, उसमें चीज़ लगाई है, टमाटोज लगाए हैं, थोड़ा सा एवोकाडो पड़ा था एवोकाडो लगाया है, सालसा लगाया और साथ में एक फ्राइड एग बना दिया है। और ये मेरे को जो देखने में चीज़ अच्छी लगे ना, मुझे खाने में भी मज़ा आता है, चाहे उसका टेस्ट अच्छा हो या ना अच्छा हो, मैं देख देख के खा सकती हूँ उसको। तो इस तरह से मैंने अपना अच्छा सा रात के टाइम का नाश्ता तैयार कर लिया है, जो कि बहुत लाइट है और बहुत अच्छा है। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। Hey guys, welcome back to my channel. उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी होंगे और फिट होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। दिल्ली में खूबसूरत मौसम हो गया है, अभी भयंकर गर्मी के बाद थोड़ी थोड़ी आंधी सी चल रही है और लगता है कि थोड़ा सा प्लेजर हो जाएगा हल्की सी बारिश के बाद। इंतज़ार कर रहे हैं हम बारिश का। तो पेड़ देखो कितने झूम रहे हैं, अभी तो ज़ोर ज़ोर से झूम रहे थे, मेरे आने के बाद थोड़ा सा शर्मा गए हैं बेचारे। अरे ज़ोर से झूम लो, मैं कुछ नहीं कह रही, झूमो झूमो। तैयारी शारी कर ली है आलू के परौंठे बनाने की, तो हम बनाते जाते हैं और आप देखते जाना। ये आटा है जी और ये आलू है जी उबले हुए, ये प्याज है जी और ये जो दही है इसको लटका के इसका मैंने पानी निकाल दिया है, थोड़ा सा दही है क्योंकि दो ही परौंठे बनाने हैं। और इसके अलावा इस आटे में जो सारा सामान डालना है, ये है जी काला नमक, ये है नॉर्मल नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा गर्म मसाला, इसमें से जो मेरे को समझ आएगा मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। और ये पैप्रिका है, कश्मीरी लाल मिर्च ले सकते हैं। और ये है चाट मसाला और ये है धनिया कटा हुआ, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची और बाकी सारा चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो मैं इसको, बाहर का मौसम बड़ा खुशगवार हो रहा है। तो यहाँ देखिए हमने जो आटे को ना बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है, अब वन बाय वन करके सारे के सारे मसाले इसमें डाल रही हूँ। गले से मेरी आवाज़ निकल नहीं रही है, आप हालात मेरे देख लो, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, थोड़ी सी मुश्किल ही हो रही है। अब सारे मसाले इसमें डाल देने हैं और इसमें जो मैंने धनिया और हरी मिर्ची और अदरक काट के रखा है ना वो भी डाल लेना है। और उसके बाद जो आटा है, सॉरी आलू जो है ना उसको ग्रेट कर लेना है, ग्रेट किए बिना नहीं आलू को डालना। आलू हमारा ग्रेट हो गया है, अब ये प्याज ग्रेट कर लेती हूँ। प्लेसमेंट ठीक ना होने की वजह से प्याज मैंने काटने नहीं है, तो ग्रेटर का मोटा वाला साइड ले लिया है, उससे ग्रेट कर लिया है। और अब आलू और प्याज को इसमें आटे में डाल के और पानी डालते जाना है और एक जैसे पूड़ा बनाते ना वैसे घोल तैयार कर लेना है। अब इसको कुछ देर रेस्ट के लिए रख देती हूँ। इस तरह से पराठा बना रहा तो उसमें घी बहुत कम लगता था। देखो मैंने ब्रश से थोड़ा सा लगा दिया पैन में चारों तरफ और इसमें करछी से डाल दिया है बैटर और थोड़ा सा फैला दिया है। और इसको कच्चा पक्का बनाने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी और मैं बनाते हुए भी इंजॉय करती हूँ इसको, कि बहुत आसानी से बड़े अच्छे से बनते हैं ये। तो अब इसको बना लिया है मैंने और इसको मैं निकाल लूँगी बाहर और अब साथ ही थोड़ा सा घी दोबारा से लगा के एक और डाल लेते हैं। मैं थोड़ा सा भी मोटा बनाया है क्योंकि ज़्यादा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, कोशिश तो कर रही हूँ खुद को चीयर अप रखने के लिए। तो अब ये दूसरा पराठा बन गया है, इसको भी कच्चा पक्का बना लिया। अब जो हंग कर्ड है ना उसमें मैंने कटी हुई धनिया पत्ती और काली मिर्च वगैरह मिला दी है और अब इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और इसके ऊपर इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर वो दूसरा पराठा जो बना के रखा है वो इसके ऊपर डाल देना है और फिर इसको अच्छी तरह से पका लेना है ऊपर नीचे करके। मतलब इसको 5 से 6 मिनट लगाए मैंने आराम से पकाने के लिए ताकि ये कहीं से कच्चा ना रह जाए। तो ये बहुत शानदार सा बनकर रेडी हो गया है और ये देखो मैंने ऊपर से लगा दिया है इसमें थोड़ा सा घी। गले से आवाज़ ही निकल रही थी फिर भी मैं बातें कर रही थी, तो मैंने गरारे करे हैं उससे पहले, आपको वॉइस ओवर देने से पहले ना मैंने अच्छी तरह से गरारे करे हैं। इसमें बहुत कम मसाले डाले हैं क्योंकि मेरी तबीयत
पूरी तरह से ठीक नहीं है, मैं बहुत दिनों से मुझे वायरल था इसीलिए मैंने व्लॉग्स भी नहीं डाले। आलू का प्रोडक्ट टमाटो सॉस से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ग्रीन चटनी साथ में ले लीजिए, आपका अचार ले लीजिए और साथ में थोड़ी सी हॉट सॉस इसी के ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ही फीका फीका मैंने बनाया है, ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। छुरी छुरी चाकू चाकू नहीं मिल रहा कहाँ रख दिया मैंने। तो ये रहा, तो दोस्तों मेरा परांठा हो गया है रेडी और साथ में हो गया ब्लॉग बहुत लंबा। इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। काटने के बाद हमारा परांठा।